हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज हमारे सामने खड़ी है न्यू होंडाई वर्नी 2023 एंड ये है इसका एसएक्स पेट्रोल वेरिएंट। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इसकी की। तो इसमें आपको स्मार्ट की मिलती है जिसमें आपको बूट एक्सेस, अनलॉक एंड लॉक का फीचर मिलता है। एंड गाइस, ये कार इकलौती ऐसी कार है सेगमेंट की जो मल्टीपल इंजन ऑप्शन के साथ आती है। इसमें आपको 1 लीटर का टर्बो इंजन भी मिल जाएगा, इस पे आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी मिल जाएगा एंड साथ साथ 1.5 लीटर का डीजल इंजन। तो यार, अगर बात करें कार की फ्रंट प्रोफाइल की, तो कार के फ्रंट में आपको बड़ी सी ग्रिल देखने को मिलेगी जो डार्क क्रोम फिनिश में दी गई है एंड साथ ही साथ लोगो भी आपको डार्क क्रोम फिनिश में देखने को मिलेगा इसका, जो कि काफी अच्छा लग रहा है यार कार में। बात की जाए इस कार में, आपको हैलोजन में इंडिकेटर देखने को मिलेंगे एंड इसके नीचे ही आपको इसके डेलाइट रनिंग डीआरएल देखने को मिल जाएंगे। एंड इस कार में आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिलता है कॉर्निंग लैम्प एंड ऑटो हेडलैम्प फंक्शन के साथ। तो ओवरऑल कार का फ्रंट लुक काफी अच्छा लगता है एंड नीचे आपको स्किड प्लेट दी गई है जो कि कार के लुक को और ज्यादा इन्हांस कर रही है। तो ओवरऑल कार का फ्रंट फेशिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है एंड स्पेशली ब्लैक कलर में तो ये कार मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। तो आप लोगों को कैसी लग रही है ब्लैक ब्यूटी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो गाइज, ये तो रहा कार का फ्रंट फेशिया। अब बात करते हैं कार के साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल से कार का लुक कुछ इस तरीके से आता है। बॉक्सी डिजाइन के साथ ये कार आती है एंड सबसे पहले बात करता हूं मैं साइड प्रोफाइल में इसके टायर साइज की। तो इसमें आपको 15 इंच के टायर दिए जाते हैं एंड इसकी प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 195/65 R15 इंच का प्रोफाइल साइज मिलता है एंड ये जो बॉडी क्लाइडिंग आप देख रहे हो ये एंड तक जाती है जो कि कार को एक SUV लुक देती है। इस कार में मुझे बस एक कमी लग रही है, इसमें आपको अलॉय नहीं मिल रहा है, इसमें आपको सिर्फ व्हील कवर दिया गया है। इस वेरिएंट में आपको ORVM बॉडी कलर में देखने को मिलेंगे एंड इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी ORVM में ही की गई है। ओवरऑल कार का लुक साइड प्रोफाइल से बहुत अच्छा लगता है और उसको इन्हांस करती है इसमें मिलने वाली रूफ रेल्स। रूफ रेल्स अगर आप देखोगे तो सिल्वर कलर में ये रूफ रेल्स दी गई है जो कि आई गेस फंक्शनल रूफ रेल है इसमें एंड बॉडी कलर में ही आपको इसमें डोर हैंडल देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है। सो ओवरऑल कार का साइड प्रोफाइल काफी अच्छा लगता है एंड काफी प्रोपोर्शनल डिजाइन लगता है यार इस कार का। तो मेरे को तो ये कार वैसे भी डिजाइन वाइज काफी ज्यादा अच्छी लगती है। एंड बात करूं इस कार में मिलने वाली ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इस कार में आपको 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है कि जो कि काफी ज्यादा हेल्प करती है अगर आप किसी ऑफ रोड कंडीशन में कार को ड्राइव करते हो। अब चलते हैं कार के रियर प्रोफाइल में, देखते हैं कार रियर से कैसी लगती है। तो गाइज, ये है कार का रियर प्रोफाइल एंड आई मस्ट से कार फ्रंट से जितनी अच्छी लगती है, रियर से भी ये कार उतनी ही अच्छी लगती है एंड मेरे को पर्सनली इसका रियर प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बात करूं इस कार में, आपको स्किड प्लेट देखने को मिल जाएगी नीचे एंड साथ ही साथ रिक्वेस्ट सेंसर की प्लेसमेंट यहां देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप कैमरे की प्लेसमेंट प्लस 2 नंबर लाइट्स दे रखी है इन्होंने हैलोजन में। इसके अलावा सेंटर में वेन्यू की बैजिंग, होंडाई का लोगो की बैजिंग एंड इसकी सबसे अट्रैक्टिव चीज़ इसकी कनेक्टिंग लाइट जो कि LED में दी गई है एंड जो काफ़ी अच्छी लगती है यार इस कार में, इसके लुक को काफ़ी इन्हांस कर देती है। इसके अलावा यहाँ LED में आपको सेटअप देखने को मिलेगा टेल लाइट में। इसके अलावा आपको डिफॉगर मिल जाएगा, रियर वाइपर आपको इस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगा, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, शार्क पिन एंटीना एंड ओवरऑल कार का रियर प्रोफाइल अगर देखो ना यार तो आपको दिल आ जाएगा इस कार पे। बूट एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड इस कार में आपको मिलता है 350 लीटर का बूट स्पेस, 350 लीटर का बूट स्पेस आपको इस कार में दिया गया है। बूट लैंप की प्लेसमेंट यहाँ की गई है एंड 350 लीटर बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ इसके जो कंपटीशन के हिसाब से 350 लीटर बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है। पार्शियल ट्रे आपको इसमें मिल जाती है, 60-40 स्प्लिटेबल सीट्स का ऑप्शन भी इसमें आपको मिलता है। तो आपको अगर लगेज ज़्यादा हो तो आप सीट फोल्ड करके अपना जो एक्सेस लगेज है वो इसमें रख सकते हो, तो बूट को लेके कोई प्रॉब्लम आपको नहीं फेस होगी इस कार में। इसके अलावा एक ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे दे रखा है, तो ग्रैब हैंडल से आप इजीली डोर को क्लोज कर सकते हो। तो गाइस, ये तो रहा कार का रियर प्रोफाइल। अब चलते हैं कार के अंदर एंड चेकआउट करते हैं कार का इंटीरियर कैसा है। तो यार, जैसे आप देख रहे हो इस कार में आपको ड्यूल टोन में इंटीरियर देखने को मिलेगा एंड ये जो यूज़ किया गया है सब प्लास्टिक का आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक वाइट कलर का आपका यूज़ किया गया है, साथ ही साथ विंडोज़ के सारे कंट्रोल आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगे। ORVM कंट्रोल्स यहाँ दिए गए हैं, फोल्ड अनफोल्ड ORVM आप यहाँ से कर सकते हो अपने आप। इसके अलावा डोर हैंडल्स में आपको थोड़ा सिल्वर टच देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड ओवरऑल कार का इंटीरियर अगर मैं आपको बाहर से दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से लगता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टार्ट स्टॉप पुश बटन एंड इस वेरिएंट में आपको सीट हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा
अब चलते हैं आप कार के अंदर एंड अंदर से देखते हैं इस कार का इंटीरियर कैसा लगता है। तो चलते हैं कार के अंदर। तो गाइस फर्स्ट इंप्रेशन, जैसे ही आप कार के अंदर बैठोगे आपको पता चलेगा कि आप किसी हॉन्डाई के प्रोडक्ट में बैठे हो, बिकॉज फिट एंड फिनिश एंड प्लास्टिक क्वालिटी जो यूज़ की गई है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड काफ़ी अच्छा डैशबोर्ड डिज़ाइन लग रहा है मुझे इसका पर्सनली। एंड जो कॉन्ट्रास्ट भी है वाइट के साथ ब्लैक का, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज वाइट यूज़ करने से थोड़ा स्पेशियस लग रही है कार अंदर से भी। बात करें स्टेयरिंग व्हील की, तो इसमें आपको डी कट स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है, लेदराइट स्टेयरिंग व्हील है इसका। यहाँ पे आपको म्यूजिक कंट्रोल दिए गए हैं, साथ ही यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है। एंड सेंटर में आ गई आपकी हुंडई की बैजिंग। इसके अलावा डैशबोर्ड, यार पर्सनली मुझे इसका डैशबोर्ड अच्छा लगता है। ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो इसमें आपको डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा, कूल ग्लव बॉक्स मिलता है। यहाँ पे आपको थोड़ा स्टोरेज का स्पेस मिल जाएगा। एंड इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी फ्लूइड है, टच भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है इसका, एंड कोई लैग फील आपको नहीं होगा इसके इन्फोटेनमेंट सिस्टम में। बात की जाए एसी वेंट में, आपको यहाँ पे सिल्वर कलर की फिनिश देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे भी आपको कुछ मीडिया कंट्रोल देखने को मिलेंगे, प्लस ऑटोमेटिक एसी एक्सपीरियंट में आपको मिलता है। इसके साथ साथ एक यूएसबी पोर्ट और एक टाइप सी पोर्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ सामान रखने का स्पेस आपको दिया गया है। एंड यहाँ पे आती है इसकी 5-स्पीड गियर ट्रांसमिशन की प्लेसमेंट। इसके नीचे आपको इसके हैंडबैग की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। 2 कप होल्डर का स्पेस आपको यहाँ पे दिया गया है। एंड इस वेरियंट में आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाएगा, एंड स्लाइडेबल नहीं है, बट इसके नीचे आप ओपन करोगे तो थोड़ा सा स्पेस आपको देखने को मिलेगा जिसमें छोटा मोटा सामान कैरी कर सकते हो। बात करें सीट कंफर्ट की, तो सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, काफी कुशनिंग है, काफी कंफर्टेबल है। एंड इसके साथ साथ आपको इस कार में काफी अच्छा थाई सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, एंड सीट्स बहुत अच्छी हैं, सपोर्ट भी काफी अच्छा मिलेगा आपको साइड से, एंड प्लस आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाता है, तो काफी कंफर्टेबल सीट्स हैं इस कार की। एंड बहुत ही नीट एंड क्लीन डैशबोर्ड है इस कार का, ज्यादा ओवर नहीं लगता इस कार में कहीं पे भी। एंड इस कार में आपको ऑटोमेटिक आईआरवीएम देखने को मिल जाएंगे, प्लस माइक की प्लेसमेंट यहाँ की गई है। एंड सनरूफ, गाइस सनरूफ भी आपको इस वेरिएंट में देखने को मिलता है, एंड ये इलेक्ट्रिक सनरूफ है, वॉइस असिस्ट सनरूफ है, तो आप इजीली अपने वॉइस कमांड देके भी सनरूफ को एक्सेस कर सकते हो। तो गाइस ये तो रहा इसकी फ्रंट सीट का व्यू एंड फ्रंट सीट्स का एक्सपीरियंस। अब चलते हैं इसके रेयर सीट में, देखते हैं रेयर सीट में कितना कम्फर्ट है। तो गाइस ये है कार की रियर सीट्स, एंड रियर सीट्स में भी आपको बेस्ट पार्ट है कि आपको यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ मिल जाते हैं। एंड बात करूँ थाई सपोर्ट की, तो थाई सपोर्ट भी रियर सीट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कुशनिंग भी रियर सीट्स की अगर बताऊँगा फ्रंट सीट के कंपेरिजन में, तो कुशनिंग भी अच्छी है सीट्स में। एंड इस पीछे आपको रियर एसी वेंट भी दिया गया है, प्लस 2 टाइप सी पोर्ट आपको पीछे मिल जाएंगे। इसके अलावा सेंटर में इन्होंने एक रीडिंग लैंप आपको दिया हुआ है, जो कि हैलोजन में ही है, येलो में ही आपको मिल जाएगा। वैसे रियर सीट्स कंफर्ट भी कार का काफ़ी अच्छा है, रिक्लाइन एंगल भी रियर सीट्स का सही है, तो रियर सीट में भी आपको कंफर्ट मिलेगा इस कार में। तो अब चलते हैं कार के बाहर, एंड बाकी की सारी बातें बाहर आके करते हैं। तो कहीं अगर आप भी अपने लिए कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कार ढूंढ रहे हैं, तो इस कार को चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूले। इस कार में यार आपको हॉन्डाई का इंजन की रिलायबिलिटी तो मिलती है, एनवीएस लेवल कार का बिल्कुल लो है, एंड लुक वाइज भी ये कार अपनी सेगमेंट की किसी भी कार से कम नहीं है। तो अगर आप भी यार इस कार के बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं, या आपकी कोई सी भी क्वेरीज है, तो मैं आपको शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इस कार के बारे में जो भी आपकी क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो, और अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकॉज ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।